के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो है एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसे EIA शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन वन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रेडिक्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। टू इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। थ्री इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी वन एंड टू, ऑप्शन सी टू एंड थ्री एंड ऑप्शन डी वन एंड थ्री। तो आप पहले खुद से कोशिश कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, फिर आप डिटरमाइन हो जाइए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं थोड़े से। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ ए फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रेडिक्ट द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 which contains various provisions on EIA methodology and process। तो ये बैक्ड है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 के द्वारा, ना कि ये फॉरेस्ट एक्ट। तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। देयरफॉर यू एलिमिनेट द ऑप्शन बी एंड सी, बिकॉज टू इज इनकरेक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द EI इज टू आइडेंटिफाई द EIA होगा फ्रेंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक। The objective of the EIA is to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to taking a decision on its implementation, mitigation of harmful impacts and maximizes the beneficial effects। कोई भी developmental projects जो हैं वो शुरू होने से पहले क्या क्या environmental, social और economic जो impact होने वाला है वो परीक्षा करने के लिए किया जाता है ये असेसमेंट, ताकि जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको आसानी से मिटिगेट किया जा सकता है और जो बेनिफिशियल इफेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करा जाता है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, दैट इज़ वन एंड थ्री। वन इज़ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ ए फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रेडिक्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, येस इट इज़ ट्रू। एंड ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ मैंडेटरी अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग। जय हिंद।